दोस्तों, कैल्शियम युक्त आहार की कमी और गलत तरीके से उठने बैठने की आदतें रीढ़ की हड्डी में दर्द की वजह बन जाती हैं। चलने, खड़े होने, बैठने, उठने और शरीर का बैलेंस बनाए रखने के लिए रीढ़ की हड्डी का स्वस्थ होना जरूरी होता है। इस दर्द को दूर करने के लिए योगासन सबसे कारगर उपाय है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर किन आसनों की मदद से पीठ की इस दर्द को दूर किया जा सकता है। जैसे नंबर 1, धनुरासन। धनुरासन करने से रीढ़ की हड्डी और पेट की मांसपेशियों को बल मिलता है। इस आसन को करने के लिए पेट के बल लेटकर पैरों को ऊपर की तरफ फैला लें। अब धीरे धीरे अपने दोनों बाजुओं को पीछे ले जाकर दोनों पाँव को पकड़ने की कोशिश करें। शुरू में इसे करने से कुछ परेशानी जरूर होगी, मगर रोजाना प्रयास करने के साथ जैसे जैसे पेट की मांसपेशियां मजबूत होंगी और लचीली होंगी, वैसे वैसे ही इस आसन को करना भी आसान हो जाएगा। रूटीन में यह आसन आपकी रीढ़ की हड्डी को इतना लचीला बना देगा कि बुढ़ापे तक पीठ से जुड़ी कोई भी समस्या आपको परेशान नहीं करेगी। नंबर 2, मत्स्यासन। आसनों की सूची में मत्स्यासन एक ऐसा आसन है जो शरीर के आंतरिक अंगों और रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइन को लंबे समय तक स्वस्थ रखने का काम करता है। इस आसन को रोकने के लिए समतल जमीन पर लेट जाएं। लेटने के बाद दोनों टांगों की चौकड़ी बना लें। अब दोनों हाथों से अपने पैर पकड़ने की कोशिश करें और धीरे से अपनी पीठ को ऊपर उठाएं। रीढ़ की हड्डी को स्वस्थ रखने के साथ साथ यह आसन सांस संबंधी रोगों को दूर करने में सहायक होता है। फेफड़ों की कार्यक्षमता को बढ़ाकर व्यक्ति को लंबा जीने में मदद करता है। नंबर 3, बालासन। बालासन करने के लिए सबसे पहले वज्रासन में बैठ जाएं। अब दोनों हाथों को आगे की ओर करें और सर को जितना हो सके नीचे की ओर झुकाएं। अपने हाथों को सर से लगाते हुए आगे की ओर सीधा करें और हथेलियां जमीन पर रखें। शुरुआत में 15 से 20 सेकंड इस आसन का अभ्यास करें। इसके बाद आप अपना समय बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? प्लीज़ हमें नीचे दिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसी ही नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।